हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस। दोस्तों आपका स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे एचवीएसी ड्राइंग को ऑटो कैड के अंदर कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि आज की डेट में सिविल इंटीरियर फिट आउट के अंदर एक ऐसा क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए होता है जो कि ऑलराउंडर हो, मतलब जिसको सिविल इंटीरियर के साथ में एमईपी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग और डाटा की भी नॉलेज हो। क्योंकि आज की डेट में वहां पर जो है एक एक अलग अलग फील्ड के इंजीनियर्स को नहीं हायर किया जाता है, एक ही इंजीनियर्स को हायर किया जाता है, एक ही क्वांटिटी सर्वे हायर किया जाता है जिसको कि सारी फील्ड की नॉलेज होती है। तो काफी एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड होता है। और परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस देता है अपने है सभी स्टूडेंट्स को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन भी। तो आज के इस वीडियो में हम चलेंगे कि ऑटो कैड ड्रॉइंग्स में कैसे जो है आप एक्सेल एचवीएसी की ड्रॉइंग्स को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो एचवीएसी क्या होता है दोस्तों? एचवीएसी का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फुल फॉर्म है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑफिस में बहुत यूजफुल रहता है। तो चलते हैं हमारे ड्रॉइंग्स के ऊपर, जहां पर कि कैसे हम लोग एयर कंडीशनिंग की ड्रॉइंग को पढ़ते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं हमारे सामने है ये ऑटो कैड की ड्रॉइंग, जिसमें कि सारी एयर कंडीशनिंग यहाँ पर दिखा रखी है। पहले सबसे पहले जो है कभी भी किसी भी ड्राइंग को आप स्टडी करते हैं, सबसे पहले आप लीजेंड को जरूर पढ़ लें। लीजेंड देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर में जो इस टाइप से रहेगा, इसका मतलब है सप्लाई एयर डक्ट। एयर डक्ट मतलब एयर की जो जिसमें एयर पास होगी पूरे फ्लोर पे। क्या होता है, बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं ना उनमें एयर डक्ट्स लगाई रखी होती हैं वेंटिलेशन के लिए। आप देखते हैं वहां पर कूलिंग होती है, हीटिंग होती है, तो वो उसके लिए जो है पूरा प्रॉपर जो है वो आपको दिखती नहीं है, वो फॉल्स इनके नीचे कवर होती है। तो इसके लिए जो है वो डक्ट्स के थ्रू जो है पूरे फ्लोर पर रन करती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये एयर सप्लाई एयर डक्ट है ब्लू कलर में, ये स्काई ब्लू कलर में रिटर्न एयर डक्ट है, ऑरेंज कलर में जो रहेगी एग्जॉस्ट एयर डक्ट रहेगी ब्लू कलर में, फिर एयर सप्लाई एलिप्टिकल जो है डक्ट रहेगी, ये है रिटर्न एयर डक्ट, फिर यहाँ पे मिक्स फ्लो फैन है, ये जो है इनलाइन है, इनलाइन फैन होता है, ये है दोस्तों यहाँ पर जो है सप्लाई एयर प्लगेज डिफ्यूजर है। ठीक है दोस्तों, ये है रिटर्न एयर प्लगेज डिफ्यूजर, ये है दोस्तों फायर डैम्पर, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, रेड में देखा दोस्तों ये 250 बाई 250 का डक्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये जा रही है यहाँ पर 350 बाई 250 की डक्ट हो गई, मतलब 350 चौड़ाई और 250 उसकी हाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर, फिर ये आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे बीएवी अभी आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, और ये 800 CFM मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी हम आपको बता देते हैं। CFM होता है क्यूबिक पर फिट। ठीक है, पर क्यूबिक फिट जो होता है इसमें जो वॉल्यूम है एयर का उसका बता रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका वॉल्यूम का जो है कितनी स्पीड से ये जो है वॉल्व जो है एयर फेंकता है उसके बारे में बता रखा है। ठीक तो ये यहाँ पे क्यूबिक फीट पर मीटर जो है इसका वॉल्यूम है, एयर का जो प्रेशर होता है उसका है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये देखिए यहाँ से दोस्तों ये मेन उस लाइन में हमारी फ्लोर की लाइन, अब यहाँ से हमारी फ्लोर लाइन है ना दोस्तों जो हमारे ऑफिस स्पेस रहता है उसके अंदर ये डक्ट आ चुकी है। डक्ट के अंदर जो है यहाँ से ये मार रहा है प्रेशर और यहाँ जो है इसको एयर पास ऑन करेगा। ठीक है, एफएम 150 CFM रखा गया है, 150 CFM यहाँ पर रखा गया है। कितना रखा है, 150, मतलब 150 क्यूबिक फीट पर मीटर जो है यहाँ पर वॉल एयर का प्रेशर रखा गया है। फिर ये देखिए डक्ट दोस्तों, यहाँ ये इस वाली डक्ट से जो है ये इंटरकनेक्टेड है और आगे देखिए ये यहीं पे खत्म हो रही है। फिर देखिए दोस्तों, अगर हम मेन डक्ट से बात करें, यहाँ से देखिए, यहाँ से मेन डक्ट जो है इधर की तरफ जा रही है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है बीओडी, ठीक है यहाँ पे बीओडी लगा रखा है, और इस तरफ जो है दोस्तों ये यहाँ पर इस तरफ रेड से चल रही है, मतलब ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से आ रही है, बिल्डिंग जो है सर्विसेज वहां से ये आ रही है, और ये हमारी ब्लू वाली जो है ये हमारी फ्लोर की जो है ये हमारे अपनी जो है ये डक्ट्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ से जो केबिन जा रहे हैं कि इस तरफ भी देखिए यहाँ पर 300 CFM रखा गया, क्योंकि इसका CFM क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है ना रूम्स का उसके ऊपर डिपेंड करता है। एयर कंडीशनिंग डिपेंड करती है दोस्तों आपके रूम के वॉल्यूम पे। जैसे आप जाते हैं ना तो आप लेते हैं उससे, शॉप पे जाते हैं तो उससे बोलते हैं भैया मुझे एक टन का एसी, 2 टन का एसी, 4 टन का एसी चाहिए, वो क्या होता है 4 टन का एसी, वो डिपेंड करता है आपके रूम्स के, वो भी डक्ट हो गई है 3200 CFM यहाँ पर रखा गया प्रेशर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर फिर जो है ऑफिस के अंदर जो है केबिन्स के अंदर यहाँ पर ये चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये देखिए ये इस तरह से जो है एचवीएसी की ड्रॉइंग्स को, फिर ये यहाँ मेन लाइन से देखिए यहाँ से फिर ये इन
ऑफिस, यहाँ तो हमने देख लिया, यहाँ 150 CFM था, ठीक है, और यहाँ फिर वो देखिए ये बड़ी डक्ट से लाए हैं, यहाँ पर 350 CFM जो रखा गया है एयर प्रेशर को इन कैबिन के अंदर। और यहाँ पर फिर देखिए ये जो है वीएवी लगा रखा है 13 और 1800 CFM का, ये वीएवी है, ठीक है। तो ये देखिए आप देखिए यहाँ से जो है फिर ये आपके इस ऑफिस की डक्ट यहाँ से चल रही है, इसका 750 बाई 650 बाई 250 और 1800 CFM यहाँ पर प्रेशर रखा गया, एयर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत सारी डक्ट जो है हमारी फ्लोर पर रन करती रहती हैं। डक्ट जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर रूम्स के अंदर जो है दोस्तों ये जो है यहाँ पर हमारे क्या लगा रखे हैं, आपको दिखा भी देते हैं दोस्तों दोबारा से। ये लीजेंड में आपको अभी आपने देखा था कि लीजेंड में क्या था, देखिए ये वाला जो है दोस्तों ये सप्लाई एयर ग्रिल है और ये रिटर्न एयर ग्रिल है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सप्लाई एयर ग्रिल और रिटर्न एयर ग्रिल, देखिए ये क्या है सप्लाई एयर ग्रिल, मतलब यहाँ पर फ्रेश एयर जो है ये रूम्स में भेजी जा रही है, ठीक है ना। ये रूम्स में क्या कर रहे हैं फ्रेश एयर को भेज रहे हैं। कहीं पे आप HVAC की ड्रॉइंग्स, इसमें डक्टिंग का ही पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर CFM लगा रखे हैं, यहाँ पर ये जो है सप्लाई एयर ग्रिल्स लगा रखी हैं इस रूम्स के अंदर, क्या रूम डक्ट का साइज है 825 बाई 250 mm और 2250 mm CFM, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबी जो है कह सकते हैं कि बहुत लंबी ये डक्ट है, तो इसलिए जो है उसका साइज भी बड़ा है और उस पर जो है प्रेशर भी ज्यादा रखा गया है, ठीक है। VAV रखी गई है। तो दोस्तों ये जो है ना आपको बहुत काम आने वाली है कि आप जब HVAC का काम करेंगे तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है इन ड्राइंग्स को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि इन ड्राइंग्स को कैसे रीड आउट किया जाता है। और भी अभी और चीजें आपको बताना चाहेंगे, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस वर्ल्ड का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रहा है, जिसमें कि हम अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं सिविल का पोस्टमार्टम, मतलब कि सिविल के सारे स्किल्स, मतलब क्वांटिटी सर्विस, चाहे आप बिल्डिंग के हिसाब से सीखें, चाहे आप रोड के हिसाब से सीखें, हाईवे के हिसाब से सीखें, चाहे आप मेट्रो के हिसाब से सीखें, साथ में आपको सिविल एंड इंटीरियर्स की भी पूरी नॉलेज दी जा रही है। जैसे हमने आपको ये ड्रॉइंग सिखाई, ये HVAC की ड्रॉइंग, इसी तरह से हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग डाटा ये सारी ड्रॉइंग्स आपको रीड आउट कैसे करते हैं इनको सिखा रहे हैं, और इनसे क्वांटिटी कैसे टेक ऑफ किया जाता है वो भी आपको सिखाया जाएगा। साथ में दोस्तों एस्टिमेशन बिलिंग तो है ही, बार बैंडिंग शेड्यूल, रेट एनालिसिस, BOQ प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, और आपका रोलिंग मार्जिन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, बिलिंग कैसे जाती है, कॉन्ट्रैक्टर साइड से बिल कैसे प्रिपेयर होता है, क्लाइंट साइड से बिल कैसे प्रिपेयर होता है, उसके साथ में दोस्तों आप वैल्यूएशन कैसे करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वेरिएशन एस्केलेशन कैसे करते हैं, या फिर आपको उसको सिखाएंगे उसमें हम लोग कि आप जो है एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अगर आप कोई वो कोट कर रहे हैं वर्क ऑर्डर, या फिर आपका कैसे टेंडर कोट कर रहे हैं तो उसको कैसे फिलअप किया जाता है, या फिर आप क्लाइंट साइड से हैं तो वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, बहुत कुछ है दोस्तों। साथ में आपको AP कोड, रीबार, प्लान शिफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर भी इसमें सिखाए जा रहे हैं। साथ में आपको सिखाया जा रहा है सर्वे, QA QC, और आपको सिखाएंगे हम लोग डिजाइनिंग, वास्तु, बहुत कुछ है दोस्तों इस कोर्स के अंदर, मतलब कि सिविल का पोस्टमार्टम रियली में यहाँ पर होने जा रहा है दोस्तों। अगर आप ये शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो 999 रुपीज में आप अपने घर बैठे से सीख सकते हैं लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग मोड के अंदर। तो दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना तो आज ही नीचे जो है इस नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा, अपना आधार कार्ड और अपना व्हाट्सएप जो है आप कर सकते हैं, आधार कार्ड और आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सेंड करना, और ये कोई भी सीख सकता है, ये कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिप्लोमा या बीटेक होना जरूरी है, आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से होने जरूरी है, कोई भी स्टूडेंट सीखना चाहे तो सीख सकता है, मोस्ट वेलकम है। 999 रुपीज में ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, आप वर्किंग है, फ्रेशर है, सीख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का पोस्टमार्टम विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस सिविल के गुरु के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों